हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने मलाई रबड़ी केक बनाया है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही इजी तरीका है। मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, जब मैं काट रही हूँ तो ये दब रहा है। मैंने इसको कट कर लिया है। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें रबड़ी है तो रबड़ी के साथ भी हम खा सकते हैं डिप करके। ऐसे ये पूरी तरह ऑब्जर्व किया हुआ है। आपको जब भी मीठा खाने का मन हो आप प्लीज आप एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और ट्राई तो जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो आइए हम बनाते हैं इसको। मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक बना लेते हैं। केक बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है और मैंने आधा कप दूध लिया है, जिसे जितना हमें बैटर में जरूरत होगा मैं उतना यूज करूंगी। साथ में मैंने जितना मैदा लिया था उसका आधा मैंने चीनी का पाउडर बना लिया है। आप चीनी भी ले सकते हैं, मैंने चीनी का पाउडर बनाया। अगर ज्यादा मीठा खाते तो आप जितना मैदा लिया आप उतना चीनी भी ले सकते हैं, हमने थोड़ा कम लिया है। साथ में मैंने मलाई लिया है और ये बेकिंग पाउडर है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, छन्नी ले लेते हैं और मैदा को हम छान लेंगे। छानने से ये होता है कि हमारा केक बहुत ही अच्छा से फूल जाता है। तो हम इसको छान लेते हैं। मैदा को हमने छान लिया, अब हम चीनी का जो पाउडर था उसको भी हम छान लेते हैं। और मैं जो बेकिंग पाउडर ली थी हाफ स्पून, मैं उसको भी रख लेती हूँ। सबको हम छान लेते हैं। हमने सबको छान लिया अच्छे से। सब छानने के बाद हमने जो मलाई लिया था, मलाई केक है तो मलाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है, तो मलाई ले लेते हैं। अब हमें घोल बनाना है तो थोड़ा करके हमें दूध लेना है। मैंने हाफ कप लिया था, देखते हैं कितना लगता है। हमने घोल बना लिया है। मलाई के साथ थोड़ा दूध था तो हमें हाफ कप लगा है। अगर मलाई आप ड्राई लेते जैसे उसमें दूध ना हो तो आपको एक कप दूध लग जाएगा एक कप मैदा में, तो थोड़ा सा बचा था मैं उसको ले रही हूँ। और अच्छा से घोल बनाइए इस तरह से। अब हम इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं। जब तक हमारा घोल सेट हो रहा है तब तक हम रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने इंस्टेंट रबड़ी का प्लान किया है जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो मैंने एक कप दूध लिया, साथ में मैंने हाफ कप मिल्क पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा चीनी लिया है। ये लगभग 3 चम्मच चीनी है। अगर आप मीठा पसंद करते तो आप जितना मिल्क पाउडर लेते हैं आप उतना चीनी ले सकते हैं, हमने थोड़ा कम लिया है। साथ में मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर है और थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए जिसमें पिस्ता, बादाम और काजू है। आपके पास जो है वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पैन में हमने दूध ले लेते हैं। हम दूध को थोड़ा गर्म होने देते हैं। दूध हमारा थोड़ा गर्म हो गया, अब हम मिल्क पाउडर ले लेते हैं। इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये बहुत जल्दी इस तरह का रबड़ी बन जाता है, नहीं तो दूध को पकाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। मिल्क पाउडर के बाद हमने चीनी ले लिया, अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं। ये ठीक हो गया है। हम इलायची पाउडर इसमें डाल देते हैं। मैं गैस को बंद कर देती हूँ, ये हमारा हो गया। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा गीला ही निकाल रही हूँ। घोल 10 मिनट के बाद इस तरह से हो गया है। अब हम इसको थोड़ा फेंट लेते हैं। और मैंने इसको फिर से अच्छे से फेंट लिया, ये हो गया है। अब इसको बेक करने के लिए हमने एक बड़े बर्तन में, ये एल्युमिनियम का बर्तन है, मोटा है। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन ना हो तो आप कुकर ले सकते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन जल्दी जलता नहीं, इसलिए मैंने एल्युमिनियम के लिए। मैंने इसमें नमक अच्छे से नीचे लेयर लगा दिया है। साथ में मैं एक एल्युमिनियम का और एक छोटा बर्तन ली हूँ जिसमें हम बेक करेंगे। इसमें मैंने एक पेपर ले लिया, ये इस तरह का है, साइज छोटा है तो ये उस बर्तन के अंदर आ जाएगा। और ये एक नॉर्मल ही पेपर है। अब हम इसमें घी लगा लेते हैं अच्छे से, इसमें भी और इस पेपर में भी। मैं पहले बर्तन में लगा लेती हूँ, आप ब्रश की सहायता से अच्छे से घी लगा लीजिए। आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं इसमें कि अच्छे से जब भी बेक करे तो ये अच्छे से चिपके ना इससे। मैं पेपर में भी घी लगा लेती हूँ।
अगर आपके पास बटर पेपर है तो अच्छा है, आप बटर पेपर ले सकते हैं। ऐसे ही मैंने नॉर्मल पेपर लिया, इसलिए मैं इसमें घी से कोटिंग कर रही हूँ। देखिए अब हो गया है, अब हम इसको इस बर्तन के अंदर रख देते हैं। मैं घोल को बर्तन में रख लेती हूँ। मैंने इसको बर्तन में निकाल लिया, आप इस तरह से इसको टैप कर लीजिए, बीच में एयर्स बनेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। देखिए चलिए अब हम इसको बेक करते हैं। नमक को हम अच्छे से बर्तन में फैला लेते हैं तले में। नमक वाला मैंने पहले ही रख दिया था तो ये गर्म हो गया, तो आप किसी चीज के सहारे इसको अंदर रख दीजिए और ये निकाल लीजिए अच्छे से। अब इसको ढक दीजिए, लगभग 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही गर्म है, आराम से इसको आप हटाइए। देखिए ये लगता है फूल गया 10 मिनट में ही। इसको हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा अभी चिपक रहा है तो थोड़ी देर और रखना पड़ेगा। साइड वाइज साइड में हो गया, बस बीच पे थोड़ा बाकी है तो थोड़ी देर हम इसको और रख देते हैं ढक के। 4 मिनट और हो गया, अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये लगता है फूल गया है, देखिए पूरी तरह से क्लीन है, इसका मतलब ये बन गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हम इसको निकाल लेते हैं। मैं चिमटा की सहायता से इसको निकाल लेती हूँ। आप ध्यान रखिए बहुत ही गर्म रहता है। हमने इसको निकाल लिया है, अब इसको ठंडा होने दीजिए, तभी आप इसको बर्तन में से निकालिएगा, नहीं तो नीचे से टूट जाएगा। हो गया केक, अब हम इसको पलट लेते हैं। आप इस तरह से बर्तन में ले लीजिए, देखिए पेपर इसी में है, केक हमारा निकल गया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। मैंने जो रबड़ी बनाया था वो देखिए आप किस तरह से ये ठीक हो गया है। अभी हम केक के ऊपर इसको डालेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप एक चाकू की सहायता से इसमें थोड़ा सा होल कर दीजिए, थोड़ा सा रबड़ी डालने के बाद। हम इसमें रबड़ी डाल देते हैं, वो अच्छे से पूरा ऑब्जर्व करेगा। मैंने सारे रबड़ी को इसमें डाल दिया है, देखिए इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से सारा जो भी है नीचे सारा ऑब्जर्व हो जाएगा। अब हम ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स को इसको फैला देते हैं। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, बस बेक करने में 10 मिनट में बेक हो गया था। केक हमारा बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं किस तरह का है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेके आती रहूंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।